शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बूंदी का एक कार्यालय आदेश जो तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले को लेकर है। साथियों, जहां एक तरफ तबादलों पर रोक लगे, वहीं कहीं ना कहीं एक दो शिक्षक तबादले कंटिन्यू हुए जा रहे हैं। बात करेंगे किस तरह हुए जा रहे हैं और आज ये भी आपसे अंत में बात करने वाले हैं कि परिवेदना के आधार पर तबादले कैसे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। बाकी आप कहां से कहां तबादला चाहते हैं वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। हो सकता है आपके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई शिक्षक मिल सके। तो आदेश में लिखा गया है, श्री राजेश कुमार नागर अध्यापक लेवल सेकंड के सामाजिक विज्ञान का समायोजन जो 6D के सेटअप परिवर्तन के तहत कार्यालय के आदेश क्रमांक दिखा रखा है 19/9/2018 को इनका पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक कासपुरिया से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाबड़ियों का नया गाँव में किया गया था। श्री राजेश कुमार नागर अध्यापक लेवल सेकंड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर की अपील संख्या दिखा रखी है, जिसमें बनाम इस अपील संख्या बनाम राजेश कुमार नागर व अन्य के अनुसार 27/6/2022 को एक आदेश दिया कि इनके अभ्यावेदन की दिनांक 30/6/2022 के अनुसार ही कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। आगे लिखा गया है कि श्री राजेश कुमार नागर अध्यापक लेवल सेकंड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाबड़ियों का नया गाँव से जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया उसमें उसके अनुसार गंभीरतापूर्वक एक टीम गठित की गई और विभागीय समिति के द्वारा मनन करने के बाद में निर्णय लिया गया कि अपीलार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो छाबड़ियों का नया गांव था वहां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समिति ब्लॉक नैनवा में अध्यापक लेवल 2 सेकंड जो सामाजिक विज्ञान है उसके रिक्त पद पर समायोजित कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित को सूचित किया गया है कि तत्काल रूप से शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर नवीन समायोजित विद्यालय में कार्य ग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथियों, आप जानना चाहते हैं कि परिवेदनाओं के माध्यम से तबादले कैसे हो रहे हैं, तो कार्मिक या जो भी इनके तबादले करवा रहे हैं संबंधित एडवोकेट जो हैं उनसे संपर्क करके जरूर से इन परिवेदनाओं के माध्यम से तबादले कैसे हो रहे हैं ये आपके साथ साझा किया जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें जिससे वीडियो साझा हो सके। अगर आपकी मांग होगी तभी ये वीडियो साझा किया जाएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।